हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा, गुड आफ्टरनून हो रहा है, बट फिर भी हमारे लिए कब गुड मॉर्निंग कब गुड आफ्टरनून कुछ पता नहीं है, क्योंकि जितना टाइम उठे उतना ही टाइम हमारा मॉर्निंग हो जाता है। तो ये देखिए, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज मौसम जो है बेईमान है बोलो। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, मेरे दोनों अनमोल रतन उठ चुके हैं। ये देखिए मेरा छोटा अनमोल रतन, ये मेरा बड़ा अनमोल रतन, हेलो। और ये है मेरा छोटू सा अनमोल रतन, हेलो बेटू। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है मेरा बेटू, मैं अपने बेटू के साथ फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ये जब से हुआ है तब से मैं ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। बहुत बहुत मतलब बिजी थी, समझो बिजी क्या मतलब, अभी तो मैं हालत में ही नहीं थी वीडियो बनाने का। और क्या बोलते हैं, अब जाके थोड़ा ठीक हुई हूँ, तो मैं सोची अपने YouTube का वीडियो स्टार्ट किया जाए, तो बस की हूँ आज मैं। और आज मेरी सासू मम्मी घर चली गई हैं, आज ही गई हैं, वही घर को संभाल रही थी इतना दिन तक से, तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मेरे सासू मम्मी जो है चली गई हैं, और इतना दिन तक घर वही संभाल रही थी, और मेरे को भी संभाल रही थी, बाबू को भी संभाल रही थी, पीहू को भी संभाल, पूरा घर मतलब उन्हीं के मतलब हाथों के था, मतलब जैसे रखी हैं वो वैसे। और अब मैं ठीक हो गई हूँ, और मम्मी अभी तो जाने वाली थी नहीं, बट फिर भी चली गई, क्योंकि पापा भी थोड़ा सा परेशान थे खाना वाना बनाने के लिए, तो इस वजह से चली गई हो। और हस्बैंड जी आज छोड़ने गए हैं उनको गांव, और फिर उसके बाद मैं शाम को छोड़ के आ जाएंगे। और आज मौसम भी बहुत ख़राब है, मतलब मौसम ऐसे कि बारिश वारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, और सुबह से वैसे हो रहा है। और मम्मी ना सुबह से कपड़ा धो के गई है बेचारी, ताकि मेरे को करना ना पड़े, क्योंकि बाबू छोटा है और करने नहीं देता है काम वाम, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और अभी तो मैं मतलब कितना टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहा है, और अभी मैं अभी नाश्ता की हूँ बताओ, और अभी उठी हूँ, क्योंकि ना वो ना नाइट में तो ठीक से सोता है, और क्या बोलते हैं, जैसे सुबह होता है 7-8 बजता है, उतना टाइम वो उठ जाता है, उसके बाद से वो सोने का नाम ही नहीं लेता, फिर गोदी में रखे रहो उसको, फीट कराओ सब कराओ, फिर भी नहीं सोता वो, तो उसको बहुत मुश्किल होता है सुलाना। तो उतना टाइम तो मेरे पास कोई रहेंगे भी नहीं, 8 बजे से पहले मेरे हस्बैंड जी रहेंगे, क्योंकि उनका ड्यूटी 8 बजे के बाद रहता है, 8:30 बजे तक, तो चले जाएँगे, फिर उसके बाद मेरे को ही अकेले करना पड़ेगा। तो इस वजह से अब मैं दोनों को कैसे संभालूंगी पता नहीं, और पीहू का स्कूल भी है 2 दिन बाद, फिर उसके बाद उसको भी देखना पड़ेगा, उसका भी नाश्ता वास्ता टिफिन बनाना पड़ेगा, छोड़ने जाना पड़ेगा। अब पता नहीं मैं कैसे करूंगी, कैसे कैसे मैनेज करूंगी, अभी तो फ़िलहाल तो बस टेंशन हो रहा है अभी, अब क्या बोलें। और देखिए मौसम कैसे है इधर, ये रहा, बहुत प्यारा लग रहा है मौसम वैसे तो, बट कपड़ा नहीं सूख रहा है मेरा पूरा, दोनों दो को वो है उसमें तार है उसमें भर है कपड़ा, और अभी सूखा नहीं है, क्योंकि बाबू का है तो सूखना भी बहुत ज़रूरी है, और इतना सारा कपड़ा है, जितना भी कपड़ा है उतना पड़ जाता है बाबू के लिए, अभी और ख़रीदना पड़ेगा हम लोगों को। अभी फ़िलहाल तो मैं कहीं बाहर जा नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को मना है बाहर जाना, बट फिर भी डॉक्टर वॉक्टर यहाँ जाना होता है तो मैं चली जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं अभी खाना बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता कर ली हूँ। नाश्ता में भी क्या क्यों, चाय बिस्किट बस, अभी तो यही चल रहा है, डिलीवरी के बाद वही सब देते हैं, चाय बिस्किट रोटी और चाय रोटी ऐसे करके, और चावल एक टाइम खाती हूँ, क्योंकि मेरे को 3 टाइम रोटी नहीं खा सकती मैं इस वजह से, और नाइट में भी रोटी खाती हूँ, रोटी सब्जी या तो रोटी और दाल खाती हूँ। तो अभी मैं दिखा रही हूँ ये दोनों को, और मैं भी खाना बना रही हूँ, और अभी तो बिना टमाटर वाला सब्ज़ी बनता है, तो ऐसे दिखता है सब्ज़ी ना खाओ से, लेकिन क्या करो, मजबूरी अभी तो खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर से हुआ है, तो 2-3 महीना मैनेज करना पड़ेगा, कैसे भी मिले वैसे खाना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ इन लोगों को क्या कर रहे हैं, देखो ये मेरा छोटू बेटा, देखो ये क्या कर रहे हैं, उसकी दीदी खिला रही है उसको, है ना पीहू? हाँ। खिला रहे हो बाबू को? हाँ। ऊपर चल जाएगा। अच्छा, ये देखो बाबू जो है सो रहा है, हेलो बाबू। इतना टाइम तो बहुत अच्छे से सोता है, लेकिन सुबह इतना परेशान करता है ना, इतना परेशान करता है, मैं क्या ही बताऊँ, कभी वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कि कितना परेशान करता है, और गोदी में भी नहीं रहेगा, फिट कराने से भी फिट नहीं करता है अच्छे से, और बहुत मुश्किल से मतलब सोता है ऐसा है। और अभी देखो कितना क्यूट सा लग रहा है मेरा बेटा, और सो रहा है शोना मोना,
अभी तो बहुत सीधे साधे जैसे लग रहे हैं मेरा बेटा, जब उठेगा परेशान करेगा तब देखना, है ना बेटू, पियो, है ना। ये मेरे दोनों अनमोल रतन हैं, छोटा अनमोल रतन और ये बड़ा अनमोल रतन। और अब अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, तो देखिए कुछ इस तरह से है अभी किचन। अभी तो ऐसे ही रहेगा, मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर सकती क्योंकि जितना सकती हूँ उतना ही करती हूँ और जो ज़रूरी वही काम करती हूँ। और ये रहा ब्लैक वाला बरबट्टी, वही बन रहा है बिना टमाटर का, तो ऐसे ही दिखता है अभी तो फिलहाल। और खाना पड़ता है, क्या करोगे। यहाँ पे बन गया है सब्जी मेरा, बन रहा है मतलब, और यहाँ पे चावल बन चुका है, इसको मैं पानी को झाड़ लूँगी, फिर हो गया मेरा खाना, बन गया। और किचन कुछ इस तरह से है, मैसी मैसी सा पड़ा है और ठीक भी है। और मम्मी सारा काम करके गई हैं, झाड़ू वाड़ू करके। और इधर देखिए पूरा सारा चीज़ अभी फैला पड़ा है, अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी मंथ हुआ है बाबू को, तो मतलब वैसी ही है पूरा, जब से मतलब डिलीवरी हुआ है तब से वैसी है। तो अभी मैं खाना पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और ये इधर बाबूजी हमारा उठ गया, आऊँ आऊँ, आंगड़ाई ले लेके सो रहा है मेरा बच्चा, है ना बेटा। अब रोने वाला है, रोने वाला है, रोने वाला है बिट्टू। तो फिर देखिए हो गया है शाम, शाम क्या नाइट हो गया है। और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं गांव से, तो ये देखिए कुछ कुछ लेके आए हैं, क्या क्या लेके आए हैं। मैंगो लेके आए हैं, मतलब आम का अचार लेके आए हैं, ये रहा आम का अचार, वो अपने लिए लेके आए हैं आम का अचार। और घर में कुछ कुछ ख़त्म हो गया था तो उसको भी लेके आए हैं, दाल चना वगैरह, मशरूम वगैरह, ये सब लेके आए हैं, ये बलौदा बाज़ार से लेके आए हैं। और ये रहा आम का अचार, और उसके बाद इसमें कुछ कुछ लेके आए हैं, क्या क्या पता नहीं। इसमें नींबू है, बहुत सारा नींबू है, ये देखिए ये नींबू। और इसमें आटा है, चावल आटा। और उसके बाद ये वाला थैला में बहुत सारा मैंगो लेके आए हैं घर से, पीहू अपने खाने के लिए निकाली है, देखिए मैंगो। और ये यहाँ पे चीनी भी लेके आए हैं, चीनी भी ख़त्म हो गया था तो। और ये रहा मैंगो, इतना सारा मैंगो लेके आए हैं, ये देखिए पूरा पक गया है और कुछ कुछ टूट भी गया है मैंगो। ये रहा मैंगो, और इसका सेंट बहुत अच्छे से आ रहा है, बाप रे मेरे को तो खाने का मन कर जा रहा है, बट नहीं खा सकती मैं अभी। तो ये मैंगो है, अभी इसको मैं धो के वॉश करके पूरा फ्रिज में रख दूँगी, फिर हस्बैंड जी और पीहू उन लोग खाएँगे। और बस आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।